दुनिया में कोई हथियारों की जंग नहीं है। दुनिया में इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है और जो जंग है, जो मुकाबला है, वो है इकोनॉमिक्स का, वो है इकोनॉमिक्स का। कभी भी चाइना जो है इंडिया को ना हड़प सकता है, ना उस पर कब्ज़ा कर सकता है, ना कभी इंडिया जो है चाइना पे वो जो एक दूसरे को दबाने वाली बात है कि मैंने इतने हथियार बना दिए, मैंने उतने हथियार बना दिए, चाइना ने ये मिसाइल लॉन्च किया, उसने वो मिसाइल लॉन्च किया। ये जो है हथियारों की रेस जो है ये दुनिया में अमेरिका और रूस के बीच में भी चल रही है। और मेरे बेहतरीन दोस्त जो है वो उनमें से इंडियंस भी हैं, उनकी आवाम जो है मतलब हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं रखती। ये एक जहन में एक चीज़ बनाई हुई है कि हिंदू कहा जाएगा, हिंदू तबाह कर लेगा। कौन सा मुल्क किस मुल्क को कहा गया? रशिया यूक्रेन को नहीं कहा सका, वो जो है ये इसराइल फलस्तीन को नहीं कहा सका, अभी तक वो एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ये कौन किसको खा लेगा, ये मतलब ये इसकी जो है ये एक नैरेटिव है कि हिंदू पाकिस्तान को खा जाएंगे। और इस हाँ। और इस बुनियाद पे जो है मतलब कोई हिंदू पाकिस्तान को खाए या ना खाए, हाँ। लेकिन बहुत सारे लोग पाकिस्तानी आवाम को खा गए वहाँ पे जो है। वहाँ पे इंडियंस हमसे ज्यादा जो है फैसिलिटेट है, उनकी एम्बेसीज में आपको हमें कितने मसले चाइना में फेस करने हुए, कितने मसले हमारे आए, हमारी एम्बेसीज हमें तीन तीन दिन तक रिप्लाई नहीं देती, हमारे कॉल का जवाब नहीं देती। अगर किसी इंडियन स्टूडेंट के साथ, किसी इंडियन बंदे के साथ कुछ होता है, उनकी एम्बेसी जो है प्रॉपर हर एक चीज़ में इन्वॉल्वमेंट करती है, अपने आवाम को ऑन करती है हर एक। हालांकि उनकी इतनी आबादी है 1.5 अरब की, हम तो 24 करोड़ हैं। क्या कि इंडिया चाइना के टुकड़े कर सकता है? हाँ, मतलब ये बात तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि एक वो उनके आवाम को, अगर आपको पता है अगर किसी मुल्क को तोड़ा जाता है ना, जिस तरह हमारे साथ हुआ है, अगर हमारे साथ हमसे बांग्लादेश अलग हुआ है, तो हमारी आवाम ने बांग्लादेश को अलग किया है, ना कि भारत की। इंडिया जो है इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इंटरनेशनली वो अमेरिका से भी बड़ी डेमोक्रेसी है। 1.5+ आबादी का वो मुल्क है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इंडिया की मतलब जो जमहूरियत है वो उसमें तसलसल रहा है, इंडिया की जमहूरियत में तसलसल रहा है, वहाँ के निज़ाम में एक तसलसल है, वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक तसलसल है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शायला खान और आप देख रहे हैं मेरा और आपका चैनल नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आज से पहले कभी ना सुनी, ना ही कभी देखी और ना ही कभी नज़र से गुजरी कि तिब्बत के अंदर चाइना के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो रहा है। चाइना के अंदर जो तिब्बत के रहने वाले लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि हमें इस वक्त इंडिया की जो है मदद चाहिए। अब ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इसके बारे में बताते चले जाएं कि चाइना की गवर्नमेंट तिब्बत में एक डैम बनाने जा रही है। अगर ये डैम वहां पर बन जाता है तो हजारों लोग बेघर हो जाएंगे। और जब वो उन्होंने प्रोटेस्ट निकाला है चाइना की इस पॉलिसीज के खिलाफ, इस गवर्नमेंट के खिलाफ, तो चाइना ने वहां पर जी लोगों के ऊपर तशद्दुद शुरू किया, उन लोगों को अरेस्ट किया, 100 के करीब बुद्धस को, जो बुद्धाज होते हैं उनको अरेस्ट किया और हजारों जो है तिब्बत के लोगों को सर उन्होंने अरेस्ट कर लिया। और ये चाइना के खिलाफ होने वाला जो है दूसरा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। इससे पहले भी जो है उइगर्स मुस्लिम ने जी प्रोटेस्ट किया था और हेल्प के लिए उन्होंने जो है दलाई लामा से कहा था कि हमें जो है इस मुसीबत से निकालें। जी जी, मेरा नाम डॉक्टर मुबशर है और मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहां पे बात करने का मौका दिया। मैं खुद जो है चाइना से पढ़ के आया हूँ और तकरीबन 4-5 साल जो है वहाँ रह के आया हूँ। तो वहाँ पर जो सिचुएशन है नॉर्मली, मतलब चाइना की पॉलिसीज़ के बारे में अगर हम बात करें, तो वहाँ के सदर शी जिनपिंग ने चाइना को इकोनॉमिकली एक लेवल पे वो लेके गया है और उसने ये बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो शुरू किया था वो भी एक लेवल पे शुरू किया है। लेकिन वहाँ पे जो अगर हम वहाँ की माइनॉरिटीज़ के बात करें, जिस तरह पहले हुकूमतों में शी जिनपिंग से पहले एक हुकूमतों में हुआ था कि चाइना में फॉलंगोंग जो वहाँ की माइनॉरिटी है और जो वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंसेस करते थे, अपनी इबादत करते थे, पहले उनके ख़िलाफ़ भी चाइना में बहुत क्रैकडाउन हुआ था। और इसके अलावा जो है फिर तिब्बत में, क्योंकि तिब्बत के लोग जो है वो दलाई लामा को सपोर्ट करते हैं, वो बुद्धिज़्म को सपोर्ट करते हैं और तिब्बत के में रिसोर्सेज वसाइल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है चाइना वहाँ पे जो है उनकी एक जो मिनरल्स हैं, जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं,
उसमें से तिब्बत को शेयर देने की बजाय वो अपने हान चाइनीज़ और अपने दूसरे जो सिटीज़ हैं, जो बीजिंग शंघाई है, अपने ट्रेड्स हैं, उनको डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से तिब्बत वाले लोग जो है अपने राइट्स के बारे में वो बात करते हैं, जब वो बात करते हैं तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन होता है। और इससे पहले भी बहुत दफ़ा हुआ है, इंटरनेट के रिस्ट्रिक्शंस हैं, सोशल मीडिया बंद है, कोई हमें सोशल मीडिया पर चाइना का कोई जो है इस तरह चैनल्स वगैरह नज़र नहीं आते, मीडिया कंट्रोल में होता है। तो बहुत सारी मतलब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जो है उनको अपने हुकूक नहीं मिल रहे। तो अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो किसी वजह से वो अपने अंदाजे से ठीक भी हैं। बाकी दूसरा सवाल आपने पूछा जो कि बड़ा एक दिलचस्प सवाल है कि मुसलमानों की वहाँ पे क्या हालात हैं या वहाँ पे जो यूगर मुसलमान हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत चाइनीज़ों से मिलते हैं जो यहाँ तबलीग के लिए आते हैं, ट्रेड के लिए आते हैं, और मोस्टली ऐसे होता है कि वो मुसलमान बड़े खुद को बड़े खुश वो दिखाते हैं, क्योंकि वो खुश मुसलमान लड़कियों से शादी करके चाइना चले गए अपना नाम मुसलमान बता के, अपना सारा सर्टिफिकेट इस्लामी बनवा के। असल में बात ऐसी है ना, जो यहाँ पे जो मुसलमान आते हैं ना, इसमें से एक फ़र्क होता है। यहाँ जो मुसलमान आते हैं वो खुई मुस्लिम होते हैं। खुई मुस्लिम की तारीख ये है कि वो चाइनीज़ रेस के अंदर जो मुसलमान हैं वो यहाँ पर आते हैं तबलीग के लिए, क्योंकि वो उनके अपने रेस के बंदे हैं। जो दूसरे रेसेस हैं, जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं, जिस तरह हमारे काशगर हो गया, वो उरमची हो गया और अक्सू हो गया, जो बड़े बड़े शहर हैं, जो हमारे पुराने तुर्किस्तान बिल्ट एंड रोड के जो टर्किश इलाके हैं, उनमें जो मुसलमान रहते हैं उनको यूगर मुसलमान कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे उनको आज़ादी नहीं है मतलब बोलने की, मतलब वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे जेलों में हैं, बहुत सारे लोग कैद हैं वहाँ पे, और उनको मतलब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, सर्वेलेंस हैं, हर जगह पे सर्वेलेंस का बहुत बड़ा सिस्टम है वहाँ पे, और मतलब उनके आवाज़ को उनके उसको दबाया जाता है। हालांकि वहाँ पे भी चाइना का 60% गैस जो चाइना में यूज़ होता है वो वहाँ से निकलता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा चट्टान, ये जो मुख्तलिफ मिनरल्स और ये स्टोन्स जो होते हैं जिम स्टोन्स, ये भी उन्हीं इलाकों से निकलते हैं। सर यहाँ पर मैं आपको रोकूँगी, एक सवाल रखूँगी। देखें, अगर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की तरफ प्रोटेस्ट होता है तो उनका नारा होता है कि भारत इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाए और हमें रिहाई चाहिए। तिब्बत की बात करें तो चाइना ने तिब्बत के ऊपर जी कब्जा किया हुआ है। अगर चाइना तिब्बत पे कब्जा ना करता तो इंडिया की हदूद कभी भी चाइना से ना मिलती। आज तिब्बत के लोग दलाई लामा, क्योंकि जो इंडिया में बैठते हैं, उन्होंने कहा कि हमें आज़ादी दिलवाएं, और उनकी जो आपको पता है कि वहाँ पर जो एक आपने कहा कि तिब्बत लोगों की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, तो लोहे गर्म लोहे पर इंडिया इस वक्त हथौड़ा अगर मारता है तो वो तिब्बत को कहीं ना कहीं आज़ादी दिला सकता है। और वो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इंडिया से मदद मांगी जा रही है। असल में बात ऐसी है ना कि इंडिया से मदद मांगना जो है वो चाइना की मजबूरी इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने अंदर बगावत को मेंटेन रखना है। क्योंकि चाइना जो है, चाइना इस वक्त जो ग्लोबल सिनेरियो है और चाइना जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस तरह उनका बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जा रहा है, जिस तरह उनकी ट्रेड जा रही है, जिस तरह उनकी दूसरी चीज़ें जा रही है, तो उस अभी चाइना किसी भी इंटरनल उसको बगावत को वो या उस तरह की प्रोटेस्ट को इस वक्त बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। क्योंकि अभी जो है, अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करें, जो हमारे जो यूक्रेन की वजह से जितनी दुनिया की पॉलिसी में चेंजेस आई हैं, जो म्यांमार में जो हुआ है उसकी वजह से, जो बांग्लादेश और भारत का जो मसले चल रहे हैं उसमें, जो साउथ चाइना सी का मसला है कि अमेरिका जो है ऑस्ट्रेलिया उनको चाइना को इंगेज कर रहा है, तो इस वक्त चाइना जो है मतलब इकोनॉमिक और उस चीज़ के ऐसे रेस में है कि वो उस इंगेजमेंट में नहीं है। और वो इंडिया की, अगर इंडिया उनकी मदद नहीं करता, लेकिन मैं बजाते ख़ुद पर्सनली मतलब ये कि ये एक तिब्बत के लोगों के पास ये राइट होना चाहिए कि चाइना उनके हुकूक का ख्याल रखे। और दूसरी बात ये है कि अगर भारत की मदद से ये हो सके तो ये एक अच्छी बात है कि कोई मुल्क जो है उनके मतलब उनके मफाद में जो है वो काम कर ले और मदद कर ले और उनके अमन की पॉलिसीज़ को आगे लेके जाए। क्योंकि तिब्बत के लोगों को बड़ा भरोसा है कि भारत हमें आज़ादी दिलाएगा, हम चाइना के साथ नहीं, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और दुनिया में जो भी बांग्लादेश देख लें, कश्मीर देख लें, गिलगित बल्तिस्तान देख लें, हर मुल्क आखिर इंडिया की तरफ मदद के लिए क्यों देखता है? सर ऐसा ऐसी सॉफ्ट पॉलिटिक्स उनकी है दुनिया में कि अब दोस्ती है नहीं है, ताल्लुकात कैसे भी हों लेकिन पुकारते सिर्फ इंडिया को। असल में मैं आपको एक बात बताऊँ, इंडिया जो है इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इंटरनेशनली वो अमेरिका से भी बड़ी डेमोक्रेसी है। 1.5+ आबादी का वो मुल्क है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इंडिया की मतलब जो जमहूरियत है वो उसमें तसलसल रहा है।
इंडिया की जमहूरियत में तसलसल रहा है, वहाँ के निज़ाम में एक तसलसल है, वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक तसलसल है। यहाँ पे मैं आपको अगर बात बताऊँ तो मैं एज़ अ डॉक्टर कितने चैलेंजेस मैं अपने फील्ड में फेस कर रहा हूँ, और मैं इंटरनेशनली अगर जाता हूँ एज़ अ डॉक्टर तो मैं कि मुझे कितनी चैलेंजेस फेस करने होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। उनके लिए हर एक चीज़ ईजी होती है, उनका मुल्क उनको ऑन करता है अपने लोगों को। आपको पता है मेन बात ये है, आपकी दुनिया में तभी एक वैल्यू बनती है जब आपका मुल्क आपको ऑन करता है। हमारा मुल्क हमें ऑन नहीं करता किसी भी जगह पे। हम मतलब हम कहीं भी इंटरनेशनली अगर कोई रियासत अपनी आवाम को ऑन नहीं करती तो दुनिया जो है वो उस रियासत को ऑन नहीं करती। सही बात है। अगर कोई रियासत जो है, ये नहीं है कि कोई रियासत गरीब है या कोई रियासत अमीर है, इसकी बात नहीं है। अमीरी गरीबी किसी रियासत की अलग बात है, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज अलग, लेकिन कोई रियासत अपने अवाम को ऑन करती है और उनके लिए ऐसी पॉलिसीज बनाती है जो उनकी इकोनॉमी को आगे लेके जाए, तो ना तो हमारी रियासत हमें ऑन कर रही है, ना जो है हमें जो है हमारी पॉलिसीज को हमारे लिए ऐसी पॉलिसीज बना रही है कि उसको आगे लेके जाए। बस कुछ ही लोग हैं, कुछ ही वो हैं जो तबके हैं या कुछ ही ख़ानदान हैं जो के कुछ ही रैंक्स के लोग हैं जो कि सिर्फ जो है इस मुल्क के फैसले करती है और अपने मफादात को लेके आगे जा रही है। और इसका नुकसान किसको है? इसका नुकसान उनको भी है। आपको पता है इस टाइम अभी जो हमारी जितनी इदारे चल रहे हैं, हमारी सेहत चल रही है, हमारी आर्मी चल रही है, हमारा जो कुछ चल रहा है वो सारा जो है सारा एक कर्जे के तहत चल रहा है। अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको बात बताता हूँ, दुनिया में हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे जर्नेल हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, इनसे ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी बाहर के सियासतदान भी गुजार रहे हैं, जिस तरह चाइना के ब्यूरोक्रेट्स हैं। लेकिन क्यों? उनकी अपनी ज़िंदगी भी अच्छी हो रही है और वो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी बना के अच्छा हो रहा है। सर यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। इंडिया और चाइना की हम बात करें, चाइना में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं करंट गवर्नमेंट के खिलाफ और नारे इंडिया के लगा रहे हैं कि वो हमें सपोर्ट करें। इससे पहले उइगर्स मुस्लिम की अगर बात करें तो उनकी जो मुल्क से बाहर तुर्किस्तान में जो उनकी सियासी जमाते हैं वो इंडिया के पास आई थी कि काइंडली उइगर्स मुस्लिम के बारे में कोई नहीं बोलता, आप काइंडली उनकी मदद करें। जैसे आपने बताया कि उनको नमाज पढ़ने नहीं दी जाती, जेलें बनाई हुई है। पाकिस्तान का मसला ये है कि उनको इंडिया नज़र आता है लेकिन उनको चाइना क्यों नहीं नज़र आता? असल में पाकिस्तान की पॉलिसी ऐसी रही है कि इंडिया जो है, इंडिया वो तो एक आपको पता है, मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे कोई दुश्मनी नहीं है। 70 साल से हम इसी मुल्क में रह रहे हैं, वो अपनी मुल्क में रह रहे हैं, ना इंडियन अवाम को हमसे कोई दुश्मनी है। हालांकि मैं इंडियंस के साथ रहा हूँ और मेरे बेहतरीन दोस्त जो है वो उनमें से इंडियंस भी हैं। उनकी आवाम जो है मतलब हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं रखती। ये एक जहन में एक चीज़ बनाई हुई है कि हिंदू कहा जाएगा, हिंदू तबाह कर लेगा। कौन सा मुल्क किस मुल्क को कहा गया? रशिया यूक्रेन को नहीं कहा सका। वो जो है ये इसराइल फलस्तीन को नहीं खा सका, अभी तक वो एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ये कौन किसको खा लेगा? ये मतलब ये इसकी जो है ये एक नैरेटिव है कि हिंदू पाकिस्तान को खा जाएंगे। और इस बुनियाद पे जो है मतलब कोई हिंदू पाकिस्तान को खाए या ना खाए, लेकिन बहुत सारे लोग पाकिस्तानी आवाम को खा गए। बिल्कुल आपने सही बात की। अच्छा आप चाइना में रह के आए हैं, चाइना इंडिया के बारे में क्या सोचता है, उसकी क्या पॉलिसीज है, क्या थॉट्स हैं? मैं आपको बात बताऊँ, यहाँ पे हमारे हम बात करते हैं ना कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, ये है वो है, लेकिन जहाँ बात चाइना में भी इंडिया और पाकिस्तान की आती है ना, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे इंडियंस हमसे ज़्यादा जो है फैसिलिटेट हैं। उनकी एम्बेसीज में आपको हमें कितने मसले चाइना में फेस करने हुए, कितने मसले हमारे आए, हमारी एम्बेसीज हमें 3-3 दिन तक रिप्लाई नहीं देती, हमारे कॉल का जवाब नहीं देती। अगर किसी इंडियन स्टूडेंट के साथ, किसी इंडियन बंदे के साथ कुछ होता है, उनकी एम्बेसी जो है प्रॉपर हर एक चीज़ में इन्वॉल्वमेंट करती है, अपने आवाम को ऑन करती है हर एक। हालांकि उनकी इतनी आबादी है 1.5 अरब की, हम तो 24 करोड़ हैं। 1.5 अरब में मतलब कोई किसी को मसला भी हो ना तो वो नज़र भी नहीं आता, लेकिन फिर भी उनकी एम्बेसीज, उनके लोग, उनके सिस्टम, उनके जो डॉक्टर्स की पॉलिसीज, उनके आर्मी की पॉलिसीज, उन्होंने जो है मतलब कितनी पॉलिसीज़ की अपने मुल्क में। हम नरेंद्र मोदी को दुश्मन कहते हैं लेकिन मतलब उनकी जो इकॉनमी है उसको नरेंद्र मोदी किस लेवल पे लेके गया है,
हम क्या हम उसको कॉपी कर सकते हैं? हम उसको फासिस्ट कहते हैं, हम उसको ये कहते हैं, कश्मीर कहा गया, ये कहा गया, वो कहा गया, वो सारी मसले अपनी जगह, लेकिन क्या हम मोदी की यह कह सकते हैं कि मोदी जो है वो जो है अपने मुल्क का बेड़ा उसका गर्क कर दिया, इंडिया को वो किस लेवल पर लेके गया है? तो सर ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो ऑन करते हैं। सर इंडियंस का भी यही कहना है कि हमारे इंडियंस मुल्क के अंदर हों तो भी हम एक हैं, मुल्क से बाहर हो तो भी हम एक हैं। और आज अगर दुनिया हमें देख के सलाम ठोकती है, हमारे पासपोर्ट के ऊपर धड़ाधड़ वीज़े लगते हैं, तो ये इज्जत हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिलाई। बिल्कुल 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 सही बात है। असल में तो उनका कोई भी पावर हो सर मुंह तोड़ जवाब देते हैं सबको। आपको पता है दुनिया में एक सिस्टम है, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चलता। मतलब हम ये कहते हैं कि मोदी ज़ालिम है, ये है, वो अलग बात है, लेकिन मोदी जो है मोदी अपने सर, अपने है नहीं है, बनाया गया है ना, जैसे वो गुजरात प्रोपोगंडा है। हमने इतना कवर किया इंडिया को, यकीन माने सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सपोर्टर हैं तो वो मुसलमान और कश्मीर से भी उनके सपोर्टर्स आ रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नैरेटिव है कि भाई वो तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो फलाने के ख़िलाफ़, जबकि देखा जाए उनकी एक भी हेट स्पीच सोशल मीडिया पर आपको नहीं मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, असल में हमें जो है हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम ज़रूरी नहीं है कि कोई लीडर कोई हमारी तो हमारे मुल्क में तो ये मज़हबी वो बहुत ज़्यादा है कि कोई लीडर जो है वो मतलब वो मुसलमान ना हो वो या उसके अमाल ठीक ना हो, मतलब बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो छोटे छोटे इश्यूज़ पे हम उसको पकड़ते हैं। आपको पता है दुनिया में निज़ाम कैसे चलते हैं? ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होती है दुनिया में। ये जमहूरियत आई, ये आई जो कम्युनिज्म आई, दुनिया में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन चल रही है हमेशा से। हमने हमारी जो है हमने किन चीज़ों पे नज़र रखनी है? ये नहीं है कि फ़लाना बंदा बेनमाजी है तो ये नमाज़ पढ़ता है, वो उसके अमाल है, उसकी इस्लाह भी ज़रूरी है। मतलब रिलीजन को पर्सनल रखना चाहिए, पर्सनल रखना चाहिए। हाँ। जो बाकी चीज़ें हैं कि हमारे मुल्क में अदालती निज़ाम कौन सा होना चाहिए, क्या ये हमारा जो अदालती निज़ाम है लॉर्ड मिकाले का, क्या इसको तब्दील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या हमारे मुल्क में ये जो उसका निज़ाम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, क्या इस इकोनॉमिक सिस्टम को तब्दील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या क्या जो हम जो यूनाइटेड नेशन की पॉलिसीज़ पे चल रहे होते हैं, जो IMF के पॉलिसीज़ पे चल रहे होते हैं, क्या हमें इन पॉलिसीज़ से निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? सबसे बड़ी बात है निज़ाम। अगर पुराने ज़मानों में लड़ाइयाँ हुई है तो वो उसकी नहीं हुई। चाइना इंडिया के लिए क्या सोच रखता है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ इंडिया अपना डिफेंस इस वजह से स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि किसी ना किसी दिन चाइना और इंडिया को एक दूसरे का आमना सामना करना है। आप चाइना के अंदर रह के आए हैं, चाइना के जो लोग हैं वो इंडिया की ये जो डिफेंस पॉलिसीज़ हैं या इंडिया का इंडियन ओशन के अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग उनकी एक जो आप कह रहे हैं कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो बन रही है, जैसे लास्ट दिन की बात करें तो भी एक शिप उन्होंने पकड़ा कि जो चाइना से सप्लाई करा था कुछ न्यूक्लियर हथियार या न्यूक्लियर किट्स जो है सप्लाई करा था पाकिस्तान को, तो उसके ऊपर ज़रा हमें बताएं। मैं आपको ये आर्मी और इनकी जो ममालिक की पॉलिसी है इनके बारे में आपको एक सिंपल जुमला बताता हूँ। बात ऐसी है ना कि जो अभी जो सिस्टम जो हम कह रहे हैं कि रेस में फला ये इस रेस में इधर निकल गया, इस रेस में उधर, ये रेस जो हथियारों की रेस है, दुनिया में कोई हथियारों की जंग नहीं है। दुनिया में इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है और जो जंग है, जो मुकाबला है, वो है इकोनॉमिक्स का, वो है इकोनॉमिक्स का। कभी भी चाइना जो है इंडिया को ना हड़प सकता है, ना उस पर कब्ज़ा कर सकता है, ना कभी इंडिया जो है चाइना पे एक वो जो एक दूसरे को दबाने वाली बात है कि मैंने इतने हथियार बना दिए, मैंने उतने हथियार बना दिए, चाइना ने ये मिसाइल लॉन्च किया, उसने वो मिसाइल लॉन्च किया, ये जो है हथियारों की रेस जो है ये दुनिया में अमेरिका और रूस के बीच में भी चल रही है, ये चलती रहेगी। जो चीज़ जो है चाइना को भी, जो चाइना भी कर रहा है और जो इंडिया भी कर रहा है, वो एक दूसरे से इकोनॉमिक्स में आगे जाने वाली है। बाकी जो है चाइना दबाने के लिए कभी उसमें आ जाता है, कभी फिंगर 5 पे आ जाता है, वहाँ पर जो लद्दाख के इलाका है, और वहाँ पर कभी कभी इस तरफ आ जाता है, कभी ये उधर चले जाते हैं। ये लड़ाई जो है ये कभी होनी नहीं है, होगी भी तो लिमिटेड रेंज की होगी, क्योंकि दुनिया में अभी कोई जंग नहीं होनी। हाँ, सही है, बिल्कुल ठीक बात करें। लेकिन अब चाइना के अंदर हेल्प इंडिया के जो नारे लग रहे हैं,
इसका कितना असर पड़ेगा चाइना पे? जाहिर सी बात है, अगर कोई चाइना में मतलब अगर इस तरह के वो मामला चल रहे हैं तो पहली बात तो ये है कि चाइना में प्रोटेस्ट की इजाज़त किसी को नहीं है। वहाँ पे इजहार मतलब ये कि वहाँ पे एक सिस्टम तो है, एक लाइफ एक लिविंग स्टैंडर्ड तो आवाम का सही है, लेकिन वहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो इसकी ऐसी बात है कि वहाँ पे मतलब वो मार देते हैं या पकड़ लेते हैं। वहाँ पे प्रोटेस्ट बिल्कुल बिल्कुल चाइना में बिल्कुल प्रोटेस्ट का वो नहीं है, उनकी पॉलिसीज ऐसी है। तो बात ऐसी है कि अगर चाइना में प्रोटेस्ट होती है तो उनमें से और भी नेशंस हैं, जैसे इनर मंगोलिया है, जिस तरह जो मंचूरिया की जो एम्पायर थी, जो जापानीज एम्पायर रही है, और जो उनके लोग हैं, जो फालंगोंग के लोग हैं, जो यूगर के जो यूगर हैं वहाँ पे, और डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं। तो चाइना जो है इस वक्त किसी भी अगर उसमें किसी एक जगह भी प्रोटेस्ट होती है तो पहली बात तो यह है कि तिब्बत की प्रोटेस्ट का चाइना में कहीं और जगह इल्म ही नहीं होनी, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल है सारा कुछ। हाँ। लेकिन अगर वहाँ से न्यूज़ आती भी है या बहुत बड़े लेवल पे है तो चाइना इस थ्रेट को ज़रूर फील करेगा कि दूसरी जगहों से भी उनके खिलाफ वो। तो सर, ये बात ठीक है कि इंडिया चाइना के टुकड़े कर सकता है? हाँ, मतलब ये बात तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि एक वो उनके आवाम को, अगर आपको पता है अगर किसी मुल्क को तोड़ा जाता है ना, जिस तरह हमारे साथ हुआ है, अगर हमारे साथ हमसे बांग्लादेश अलग हुआ है तो हमारी आवाम ने बांग्लादेश को अलग किया है, ना कि भारत की फ़ौज ने। हालांकि भारत की फ़ौज तो 65 में भी लड़ी है, भारत की फ़ौज जो है 99 में भी लड़ी है, कुछ जगहों पे जो है मतलब कब्जे शब्जे, लेकिन इतना बड़ा इलाका नहीं। अगर बांग्लादेश की आवाम ने मतलब आवाम ही उठी है, आवाम का फैसला, अगर चाइना की आवाम जो है वो अगर चाइना के ख़िलाफ़ होती है तो किसी मुल्क के टुकड़े होने से फिर वो यूएसएसआर की मिसाल हमारे सामने है। कितनी बड़ी रियासत यूएसएसआर गुजरी है, लेनिन के इतने बड़े नज़रियात, कार्ल मार्क्स के इतनी बड़ी मतलब उसकी इनकलाबी रूस जो हमारे साथ था, जो अफगानिस्तान तक आया था इनकलाबी रूस, वहाँ पे भी मतलब हुकूमत बनी थी उनकी, उनका भी नामो निशानी नहीं है, ना स्टालिन रहा है ना वो क्या मतलब स्टालिन ऐसा बंदा था जिसने हिटलर को शिकस्त दी थी, जो मतलब जो बड़ी रियासत थी। तो रियासत जो है वो अपनी आवाम की वजह से टूटती है, अगर आवाम उनके साथ हो तो रियासत कभी नहीं टूटती, चाहे वो गुरबत में हो चाहे वो उरूज पे हो। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, पाकिस्तान हमेशा ये दुनिया को कहता रहा है कि हम भारत से नाराज़ इस वजह से, या हम भारत को अपना राइवल कंट्री इस वजह से समझते हैं क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म होता है। ठीक हो गया, ये बात आपने सुनी है? बिल्कुल, बिल्कुल। मुतालिया पाकिस्तान में भी कई चैप्टर हैं, बिल्कुल, बिल्कुल हमारी किताबों में छप चुके हैं, बिल्कुल वही किताबें हमारे दिमागों में छप गई, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप ये देखें कि वो एक सेकुलर देश है और पाकिस्तान को चाइना से बात करनी चाहिए थी उइगर्स मुस्लिम की, लेकिन बात किसने की है? इंडिया ने। आवाज़ किसने उठाई है? इंडिया ने, कि भाई ये मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के लिए जिंदा जेलें बनाई गई हैं। किसी की जुर्रत यहाँ से नहीं हुई कि वो चाइना के ख़िलाफ़ खड़ा हो सके मुसलमानों के लिए, और वो भारत जो कहता है मैं एक सेकुलर कंट्री हूँ वो उनके लिए सर खड़ा रहा। क्यों हम ये क्रेडिट नहीं देते, क्यों हम अपने लोगों को नहीं बताते कि जितनी हमारी सोच छोटी है वो उतना ही बड़ा सोच रहा है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इंडिया ने, अमेरिका ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने जो है मतलब उनके लिए आवाज़ उठाई है। मैं आपको बात बताऊं, हमारे आपको पता है हम अपनी खारिजा पॉलिसी में बिल्कुल कोई ख़ुद मुख्तारी नहीं रखते हैं। हमारी खारिजा पॉलिसी में कोई ख़ुद मुख्त, अगर हम चाइना में यूगर के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो चाइना जो है, चाइना अगर हमारी एड बंद कर देता है, जो हमारी सीपेक को बंद कर देता है या हम पे सेंक्शंस लगा देता है तो हमारे पास बेल आउट के लिए कोई पैसे ही नहीं है। आपको पता है हमारे हमेशा के हर दौर में पाकिस्तान के खारिजा पॉलिसी का सौदा ही हुआ है। हमारे रियासत के आवाम के जहन में कुछ और होता है लेकिन ऊपर हमारे सौदे हो रहे होते हैं। हम कोई और सोच रखते हैं लेकिन ऊपर जो पॉलिसी बनती है वो कुछ और होती है। भारत एक आज़ाद खारिजा पॉलिसी रखता है, जैसे इमरान खान ने कहा था कि भारत एक आज़ाद खारिजा पॉलिसी रखता है, वो जो है वो जमहूरी लेवल पे मतलब उनके साथ वो एक जमहूरियत को रिप्रेजेंट करता है और उसी चीज़ को लेके उसने जो है हर जगह पे आवाज़ उठाई है। इवन ये कि अभी जो फ़लस्तीन में हो रहा था, गज़ा में भी भारत ने जो है पहले इसराइल की हिमायत की जब वो उन्होंने हमला किया था हमास ने,
लेकिन फिर उसके बाद जो है भारत ने प्रॉपर जो है वहाँ पे एड भेजी, अपनी पॉलिसी को चेंज किया, सारा कुछ किया। तो जहाँ पे कोई दबता है वो या जहाँ पे किसी के ऊपर जुल्म होता है तो भारत उसके लिए आता है, बिल्कुल बिल्कुल आता है। लेकिन यहाँ पर जब बात की इमरान खान साहब की, आपने बात की कि उन्होंने कहा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, अगर हम डॉक्टर अजय शंकर की बात करें सर, उनका एक फॉरेन मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान में उस जैसा एक बंदा नहीं हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, इसके बाद के साथ मैं एग्री करता हूँ। नहीं, जयशंकर जो है एक बहुत टॉप का डिप्लोमेट है, मंझे हुए खिलाड़ी, वो बहुत टॉप का डिप्लोमेट है। और डिप्लोमेट इसलिए है क्योंकि वो असल में डिप्लोमेट पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में इतनी बड़ी सोच है, इतनी बड़ी टैलेंट है, अच्छा। इतनी बड़ी मतलब यहाँ पे लोगों के पॉलिसीज़ हैं, जो सारा कुछ है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। बात ऐसी है ना कि हमारे जो है, एक तो हम अपने मफादात के बारे में सोचते हैं। लेकिन सर अपॉर्चुनिटी, अब ये 24वां वज़ीरे आज़म बने और 77 सालों से वही ख़ानदान, सफ़ेद बाल हो गए, दाढ़ियाँ सफ़ेद होगी। भाई यूनिवर्सिटी से बच्चे लेके आओ ना जो पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, जिन्होंने वकालत की हुई है, कोई जज का कोर्स कर रहे हैं, भाई उनको अपने ऐवानों में पार्लियामेंट में बिठाओ, वही पुराने बुढ़े। पाकिस्तानी आवाम को सिर्फ इतनी तहकीक करनी चाहिए ना कि जिस इदारे में, जो भी इदारा है पाकिस्तान का, तालीम का, सेहत का, हर एक चीज़ का, जो भी इदारा है, इनको सिर्फ ये नज़र रखनी चाहिए कि इस इदारे के ऊपर बंदे जो बैठने वाला बंदा है वो कौन है और इस जगह पे होना किसको चाहिए, बस यही काफ़ी है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात के, ज़बरदस्त वीडियो रही, ये थी मेरी आज की वीडियो। दोस्तों आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें, डॉक्टर साहब की राय कैसे लगी, चाइना रह क्या हमें और चाइना की पॉलिटिक्स, और जैसे उन्होंने कहा कि भारत वाकई चाइना को टुकड़े टुकड़े कर सकता है क्योंकि इस वक्त जो है उनकी जो आवाम है वो इंडिया का नारा लगा रही है। ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें, मिलता है अगली वीडियो में, दुआ में याद रखें, गॉड ब्लेस यू ऑल।